नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज, और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम बात करते हैं बड़ी खबरों की, जहां पर सुबह के 8 बज चुके हैं और आज एक बार फिर हम आपके लेकर पहुंचे हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की बड़ी सुर्खियां। कल दिन भर की खबरों में क्या कुछ खास रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा तंज देखने को मिला। इसके अलावा खबरों के लिए कल का दिन किस लिहाज से अहम रहा है उसको भी आपको बताएंगे। देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। अगर पहले पन्ने की हम बात करें तो आज समाज अखबार ने पहले पन्ने पर कई बड़ी खबरों को प्रकाशित किया है। फ्रंट पेज पर सबसे पहली खबर के तौर पर कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई, तो ममता बनर्जी के बीजेपी पर मारपीट के आरोप की खबर है दूसरी। इसके अलावा वायुसेना के विमान की दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन की मौत समेत सुप्रीम कोर्ट की राशन कार्ड को लेकर रद्द करने पर सख्त टिप्पणी जैसी तमाम बड़ी खबरों को बड़ी ही प्रमुखता से आज समाज अखबार ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया, जिसकी एक कॉपी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लीड स्टोरी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के दोबारा बढ़ते वाले खतरे को लेकर यहां पर प्रदेश के मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से प्लानिंग को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकना होगा, उसके लिए लोगों को सजग होना बेहद जरूरी है। तो वहीं बात करें इस खबर के नीचे, आज समाज अखबार ने बंगाल की राजनीति की खबर को प्रकाशित किया है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें कई बार पीटा गया, अब बीजेपी पिट रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अखबार के मध्य में सुप्रीम कोर्ट की राशन कार्ड को लेकर सख्त टिप्पणी जो हुई है उस खबर की, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर किसी परिवार का राशन कार्ड रद्द करना अत्यंत गंभीर है। इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से छापा गया। तो वहीं इस खबर के ठीक बगल में कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना के MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर को छापा गया है। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई। फ्रंट पेज पर सबसे नीचे उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की लड़कियों के फटे जीन्स पहनने पर टिप्पणी के तौर पर जो खबर सामने आई उसको प्रमुखता से छापा गया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि फटी जीन्स पहनकर लड़कियां क्या संदेश दे रही हैं। दूसरी लहर को लेकर भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है उसको लेकर भी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बातचीत के लिए दीपक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ कहता है आज समाज का पहला पन्ना और मध्य पन्ना, बड़ी खबरें क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल, अगर हम आज समाज अखबार की बात करें, देश का, प्रदेश का सबसे तेजी से बढ़ता अखबार है। ऐसा अखबार ना केवल अगर हम बात करें जो सुबह हमारे घर पहुंचे, बल्कि उसके साथ साथ ये मोबाइल ई पेपर पर भी, मोबाइल पर भी मोबाइल अखबार जो है उपलब्ध है। तो ऐसे में लगातार अगर बात करें तो तेजी से बढ़ता अखबार, लेकिन खासकर हम इस अखबार की बात करें, हम बात कर रहे थे आज समाज अखबार के आज का जो अखबार है इसके संस्करण की बात करें तो कई खबरें देश की, तमाम दुनिया की तमाम खबरें इसमें देख सकते हैं, देश दुनिया की। जिसमें हम प्रथम पृष्ठ की बात करते हैं, पहला पेज अगर आज की बात करें, आज समाज का जो मुख्य पृष्ठ है जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती हैं, विभिन्न राज्यों की बड़ी खबरें होती है। अभी हम आपने तमाम खबरों को लेकर चर्चा करी, जिसमें दूसरी लहर को रोकना जरूरी है प्रधानमंत्री कल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने COVID-19 को लेकर के कल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी थी, जिसमें चर्चा की गई थी। और उसमें प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि दूसरी लहर को रोकना होगा। दूसरी लहर इसलिए कि COVID-19 का जब शुरुआत हुई थी जिस तरीके से, हालांकि शुरुआत तो 2019 में ही हुई थी, लेकिन जब मुख्यतः अगर हम भारत की बात करें या विभिन्न देशों की बात करें तो वो मार्च का ही महीना था जब ये माहौल बिगड़ा था। 20 मार्च के बाद ज्यादा दिक्कत आने लगी थी, जब अगर हम बात करें देश ने लॉकडाउन देखा था। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि इस आंकड़े पे काफी संतुलन हुआ पूरे देश की जागरूकता के कारण, दुनिया की जागरूकता के कारण, लोगों में जागरूकता के कारण इस पर कंट्रोल हुआ और आखिरकार देश दुनिया तमाम सामान्य तह पाने लगी। लेकिन अब फिर से ये मामले बढ़ने लगे और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि लगातार फिर से तेजी के साथ बढ़ते ये मामले कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, और ऐसे में जो दूसरी लहर इसकी आ रही है इसको रोकना बहुत जरूरी है। राज्य सरकारों के लिए इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, जागरूकता बड़ी जरूरी है, कुछ नियमों में सख्ताई की जरूरत है जो कि ढिलाई बीते दिनों में दी गई है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के विभिन्न राज्यों के साथ चर्चा की गई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर एक और कल आंकड़ा भी आया था, हम बात करें कि जो कोरोना के चलिए हमारे सहयोगी
जी तो अब बात करेंगे आज समाज के तीसरे पन्ने की, जिस पर हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। कौन सी वो खबर है, ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी खबर है जिन्हें प्रकाशित किया गया है। इस पेज की बात करें तो इस पेज पर पहली खबर के तौर पर सरिता हांडा और उनकी बेटी सुपूर्ण हांडा की कामयाबी के सफर की खबर है। इसके अलावा हरियाणा में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्लानिंग को लेकर दूसरी खबर, पत्नी के हत्यारे के मौत की सजा और सदन की कार्यवाही में विपक्ष का हंगामा, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को तीसरे पेज पर आज समाज अखबार ने जगह दी है। तो फ्रंट पेज पर पहली खबर के तौर पर सरिता हांडा और उनकी सुपूर्ण हांडा की टेक्सटाइल और डेकोर ब्रांड में कामयाबी के सफर की खबर को छापा गया है। दरअसल सरिता हांडा ने साल 1992 में रजाई के तकिए और कारोबार में 10 लाख रुपए का निवेश किया था, जो अब 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है और ये बहुत बड़ी कामयाबी, इसी सफर को, इसी खबर को छापा है। कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सप्ताह में 2 दिन वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव चलेगी, इस बात को सामने रखा, उस खबर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। इस खबर के बगल में पत्नी की हत्या के दोषी पति को फांसी की सजा मिलने की खबर है। फरीदाबाद में अवैध संबंधों के शक के चलते दिल जल बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारी ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था, जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, इसी खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इसके अलावा आज समाज अखबार ने सदन की कार्यवाही को लेकर भी एक स्टोरी प्रकाशित की है, जिसमें सदन की कार्यवाही के दौरान हुई विधायकों और मंत्रियों की चर्चा को विस्तार से समझाया गया है। वहीं हरियाणा के पेज पर सबसे नीचे हरियाणा की बेटी की उपलब्धि की खबर को जगह दी गई है। दरअसल हिसार की 16 साल की प्रतिभा मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020 और 21 बनी है, जो प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। बड़ी खबरों पर सटीक विश्लेषण को लेकर हम इस पूरे बुलेटिन को लेकर आपके बीच में पहुंचते हैं, जहां पर ये खबर जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हिसार की प्रतिभा मिस टीन इंडिया यूनिवर्स बनी है, हिसार की बेटी की, इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, जहां पर एक लंबे संघर्ष के बाद हिसार की बेटी प्रतिभा ने इस बड़ी कामयाबी को हासिल किया है और इस खबर को यहाँ पर विस्तार से प्रकाशित भी किया गया। इसके अलावा भी तमाम प्रदेश की जो बड़ी खबरें उसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया, जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया। फिर चाहे वो कोरोना को लेकर जिस तरीके से बढ़ते मामलों की खबर हो या फिर सदन की कार्यवाही को लेकर जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, उस खबर को भी बड़ी ही प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो हरियाणा संस्करण में क्या कुछ खास रहा आज समाज में, ये हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आखिरी में इस खबर को जगह दी गई और सबसे महत्वपूर्ण ये खबर, जहाँ पर हिसार की बेटी ने न सिर्फ हिसार का बल्कि राज्य का और देश का भी नाम रोशन किया है। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020 और 21 के खिताब को उन्होंने अपने नाम किया है और लंबे समय से इसको लेकर वो यहाँ पर प्रिपरेशन भी कर रही थी और आखिरकार उन्होंने खिताब को जीतकर ना सिर्फ अपने माता पिता परिवार बल्कि राज्य और देश का नाम भी रोशन किया है। और अब बात करेंगे आज समाज के अंबाला एडिशन की, जिसमें अंबाला जिले से जुड़ी खबरों को विस्तार से जगह मिली है। पहली खबर के तौर पर बात करें कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर, तो शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की सरकार को चेतावनी को भी प्रकाशित किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंबाला एडिशन की तस्वीरें। अंबाला जिले में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले एक दिन में 66 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है, उसको लेकर भी खबर को छापा गया है। इस खबर के नीचे शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की खबर है। किसान ने कहा कि वो केंद्र सरकार के आगे झुकेंगे नहीं और यहां पर आंदोलन लगातार उनका जारी रहेगा, इस खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। अंबाला एडिशन में सबसे नीचे जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर खबर को प्रकाशित किया गया है। एक विशेष शिविर में 1050 कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई, इस खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। वक्त है
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेंट्रल जेल में 1050 कैदियों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें अंबाला एडिशन की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कोरोना की खबर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना एक बार फिर से यूटर्न मारता हुआ सा नजर आ रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अंबाला में भी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। चलिए फिलहाल बस तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे देश विदेश की 25 बड़ी खबरों के साथ।